हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू लर्न विद दीतिमन। कल हमने किया था मारवाड़ के राव चंद्रसेन और बीकानेर के राय सिंह। आज हम करने वाले हैं आमेर के सवाई जय सिंह और अमर सिंह के बारे में। तो यहाँ से प्रश्न जो है वो आपके एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। सिलेबस के अकॉर्डिंग भी अगर आप देखेंगे तो हमारा चल रहा है मुगल राजपूत संबंध, ठीक है। तो ये आपको अच्छे से पढ़ना भी है और आपको अच्छे से रिवाइज भी करना है। बार बार वीडियो को देखिए, मैं बार बार कहती हूँ आपसे कि आप तैयारी अगर कर रहे हैं और बिल्कुल मन लगा के कर रहे हैं तो आपको हर क्वेश्चन जो है वो ध्यान से देखना होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कल हमने 24 क्वेश्चन तक बीकानेर के राय सिंह तक किया था। चलिए आज हम सवाई जयसिंह के बारे में देख रहे हैं। देखिए ये सवाई जयसिंह जो है वो आमेर के सवाई जयसिंह है, और इससे पहले जो हमने मिर्जा राजा जयसिंह के बारे में पढ़ा था तो वो पुरंदर की संधि हुई थी शिवाजी के साथ, तो वो अलग है, ठीक है, याद रखना है, मिलाना नहीं है एक दूसरे को। वो पहले के शासक थे और ये बाद के शासक हैं। सवाई जयसिंह या जयसिंह द्वितीय का जन्म कब हुआ? तो सवाई जयसिंह और जयसिंह सेकंड कहा जाता है जिनको, इनका जन्म हुआ 3 सितंबर 1688 ईस्वी में, ठीक है। मंथ आपको याद नहीं रहता है, कोई बात नहीं, सन आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट है सवाई जयसिंह गद्दी पर कब बैठे? तो सवाई जयसिंह का जन्म जब हुआ था तो उसके 11 साल बाद ही, 10 या 11 साल बाद ही 1699 ईस्वी में यह गद्दी पर बैठे थे, 19 दिसंबर 1699 ईस्वी में। नेक्स्ट है 27, सवाई जयसिंह और उनके छोटे भाई का नाम विजय सिंह औरंगजेब ने रखा, पहले इनका नाम क्या था? तो सवाई जयसिंह का पहले नाम था विजय सिंह और विजय सिंह का नाम था जयसिंह, जिनका औरंगजेब ने बदल दिया था, ठीक है। तो आप कंफ्यूज होंगे कि हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, तो हम पढ़ रहे हैं विजय सिंह के बारे में, ठीक है, जिनका नाम बदलकर सवाई जयसिंह जो है वो किसने रखा? औरंगजेब ने रखा। तो आपको सवाई जयसिंह के बारे में अच्छे से याद रखना है कि इनका पहले नाम था विजय सिंह। औरंगजेब के चार पुत्रों का क्या नाम था? औरंगजेब के चार पुत्र थे और उनका नाम था मुअज्जम, आजम, अकबर और कामबख्श। मुअज्जम, आजम, अकबर और कामबख्श। नेक्स्ट है आप वीडियो को लाइक भी किया कीजिए, आप पूरा वीडियो देखते हैं, आपका 1 सेकंड से भी ज्यादा का टाइम नहीं लगता है लाइक करने में, तो प्लीज लाइक किया कीजिए। 29 है 1707 ईस्वी में जब औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी तो मुअज्जम और आजम के बीच कौन सा युद्ध हुआ था? ठीक है, तो औरंगजेब की मृत्यु के बाद उत्तराधिकार के लिए युद्ध छिड़ गया था भाइयों में, तो मुअज्जम और आजम के बीच में एक युद्ध हुआ था, जाजऊ का युद्ध। इसमें मुअज्जम जो था वो विजयी हुआ था और मुअज्जम ने अपना नाम बदल कर रख लिया था बहादुर शाह प्रथम, ये हम आगे भी देखेंगे। तो जब हम पढ़ते हैं मुगल काल तो हम देखते हैं कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद जो शासक बने थे वो थे बहादुर शाह प्रथम, तो ये वही मुअज्जम थे। नेक्स्ट है सवाई जयसिंह ने जाजऊ के युद्ध में किसका साथ दिया था? सवाई जयसिंह जिनका पहले नाम विजय सिंह था, तो सवाई जयसिंह ने जाजऊ के युद्ध में साथ दिया था आजम का, ठीक है, लेकिन आजम जो था वह ये पराजित हुआ था। नेक्स्ट है मुअज्जम का साथ किसने दिया था? तो मुअज्जम जिन्होंने अपना नाम बदलकर बहादुर शाह रख लिया था जाजऊ के युद्ध के बाद, तो इस युद्ध में मुअज्जम का साथ दिया था सवाई जयसिंह के भाई विजय सिंह ने। नेक्स्ट है जाजऊ का युद्ध जीतने के बाद मुअज्जम ने अपना नाम बदलकर क्या रखा? तो हमने ये देखा कि उन्होंने अपना नाम बदलकर रखा बहादुर शाह प्रथम। क्वेश्चन 33 है मुअज्जम ने जीतने के बाद विजय सिंह को आमेर का शासक बनाया, ठीक है, विजय सिंह को आमेर का शासक बनाया और आमेर का नाम क्या रखा? तो मुअज्जम ने या फिर बहादुर शाह प्रथम कह दीजिए, उन्होंने आमेर का नाम बदल कर रखा इस्लामाबाद और बाद में इसी का नाम मोमिनाबाद रख दिया। नेक्स्ट है 34 दीवारी समझौता क्या है? दीवारी समझौता क्या है? तो अब हम अमर सिंह के बारे में पढ़ेंगे। चलिए दीवारी समझौता क्या है? अमर सिंह द्वितीय ने सवाई जयसिंह से
अपनी पुत्री चंद्र कुंवरी के साथ शादी और उसके पुत्र को आमेर का आगामी राजा बनाने की शर्त रखी, और बदले में अमर सिंह सेकंड आमेर के सवाई जयसिंह और मारवाड़ के अजीत सिंह की सहायता करेंगे, ऐसा उन्होंने वचन भी दिया। तो जो अमर सिंह सेकंड थे उन्होंने सवाई जयसिंह की हेल्प करने के लिए ये शर्त रखी थी। देखिए, जो विजय सिंह था उसको तो आमेर का शासक बना दिया था बहादुर शाह प्रथम ने, मुअज्जम ने। तो जो सवाई जयसिंह थे वो परेशान थे, तो इनका साथ दिया था अमर सिंह सेकंड ने, ठीक है, याद रखना है। तो अमर सिंह सेकंड ने इसके लिए शर्त रखी थी कि मारवाड़ के एक अजीत सिंह और सवाई जयसिंह की हेल्प वो जब ही करेंगे जब सवाई जयसिंह अपनी पुत्री चंद्र कवरी का विवाह जो है वो उसके बेटे से करेंगे, और जो आगामी राजकुमार होगा उसे वह आमेर का राजा बनाएंगे, ठीक है। ये था देवारी समझौता। नेक्स्ट है, मुगल शासक रंगीला ने भरतपुर रियासत में चूड़ामन के विद्रोह को दबाने को 1722 ईस्वी में किसे भेजा था? तो मुगल शासक रंगीला ने सवाई जयसिंह को भरतपुर रियासत में चूड़ामन के विद्रोह को दबाने को 1722 ईस्वी में भेजा था। देखिए, सवाई जयसिंह जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनके भाई जो विजय सिंह है उससे ज्यादा। विजय सिंह वही जिसको मुअज्जम या बहादुर शाह प्रथम ने आमेर का शासक बना दिया था, ठीक है। तो हमें पढ़ना है सवाई जयसिंह के बारे में, तो फोकस आपका सवाई जयसिंह के ऊपर होना चाहिए। नेक्स्ट है, जयपुर शहर की स्थापना किसने की? तो इसका आंसर है सवाई जयसिंह ने जयपुर शहर की स्थापना की थी। जयसिंह ने बहुत सारे कार्य किए थे। आगे चलकर, जयसिंह ने डींग के बदन सिंह को कौन सी उपाधि थी? तो बदन सिंह को जयसिंह ने ब्रजराज की उपाधि दी थी, ठीक है, याद रखने में आसानी होगी। बदन सिंह बा से स्टार्ट होते हैं और ब्रजराज भी बा से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। तो ब्रजराज की उपाधि जो है वो दी थी सवाई जयसिंह ने किसे? डींग के बदन सिंह को। नेक्स्ट है, जाटों के दमन से प्रसन्न होकर, जाटों का दमन हो गया था उससे प्रसन्न होकर मोहम्मद शाह ने जयसिंह को कौन सी उपाधि थी? तो मोहम्मद शाह ने जयसिंह को राज राजेश्वर श्री राजाधिराज सवाई की उपाधि दी, ठीक है। अब याद रखना है, क्योंकि इन्हें जयसिंह ना कहकर सवाई जयसिंह कहते हैं, तो इनको सवाई की उपाधि जो है राज राजेश्वर श्री राजाधिराज सवाई की उपाधि किसने दी थी? मोहम्मद शाह ने दी थी। सवाई जयसिंह ने ज्योतिष विद्या पर कौन सा ग्रंथ लिखा? तो ज्योतिष के ज्ञानी थे जयसिंह, और इससे पहले जो हमने पढ़े थे बीकानेर के राय सिंह, वो भी ज्योतिष विद्या के ज्ञानी थे। जयसिंह ने ज्योतिष विद्या पर कौन सा ग्रंथ लिखा? तो उन्होंने जयसिंह कारिका ग्रंथ लिखा। कौन सा ग्रंथ लिखा? उन्होंने लिखा जयसिंह कारिका ग्रंथ। नेक्स्ट है, सवाई जयसिंह ने नक्षत्रों की गति की गणना करने के लिए एक शुद्ध सारणी का निर्माण कब करवाया? सवाई जयसिंह ने नक्षत्रों की गति की गणना करने के लिए एक शुद्ध सारणी का निर्माण कब करवाया? याद रखिएगा, 1725 ईस्वी में। जयसिंह ने भारत में ज्योतिष के अध्ययन के लिए 5 वैधशाला बनवाई, जिनमें सबसे बड़ी वैधशाला जो है वो कौन थी? तो इन्होंने 5 वैधशाला बनाई थी, जयपुर में, दिल्ली में, बनारस, मथुरा और उज्जैन में। बिल्कुल याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। जयपुर में बनवाई, दिल्ली, बनारस, मथुरा और उज्जैन। जब हम ज्योग्राफी पढ़ेंगे वहां पर भी हमें जयसिंह के बारे में जानकारी मिलती है। जब हम फर्स्ट, सेकेंड या थर्ड कोई चैप्टर पढ़ेंगे ज्योग्राफी का, 6th क्लास का, तो वहां पर भी हमें जयसिंह के बारे में, इनके जो वैधशाला है उनके बारे में पता चलता है। जयपुर, दिल्ली, बनारस, मथुरा और उज्जैन। तो जयपुर की जो वैधशाला है जंतर मंतर, वो सबसे बड़ी वैधशाला है, और यूनेस्को ने भी इसे 2010 में विश्व धरोहर सूची में शामिल किया था। नेक्स्ट है, जुलाई 2010 ईस्वी में किस वैधशाला को विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया था? तो अभी मैंने आपको बताया था जयपुर का जंतर मंतर। अंतिम हिंदू शासक जिसने 1740 ईस्वी में कई यज्ञ करवाए, ठीक है। तो यज्ञ जो है वो कई शासकों ने करवाए थे, लेकिन यहाँ पर पूछा है अंतिम हिंदू शासक,
वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, अंतिम हिंदू शासक जो थे वो थे सवाई जय सिंह, जिन्होंने यज्ञ करवाए थे 1740 ईस्वी में। नेक्स्ट है, यज्ञ करने वाले ब्राह्मणों को रहने के लिए सवाई जय सिंह ने किसका निर्माण करवाया? तो सवाई जय सिंह ने जल महल का निर्माण करवाया। ठीक है, हम पढ़ते हैं कि सवाई जय सिंह ने जयपुर शहर की स्थापना करवाई, जल महलों का निर्माण करवाया। तो जल महलों का निर्माण वो क्यों करवाया था? यज्ञ करने वाले ब्राह्मणों को रहने के लिए। जोधपुर महाराजा गज सिंह के कितने पुत्र थे? जोधपुर महाराजा गज सिंह के कितने पुत्र थे? तो उनके पुत्र थे अमर सिंह, जसवंत सिंह और अचल सिंह। ठीक है, अमर सिंह, जसवंत सिंह और अचल सिंह। 46 क्वेश्चन है, शाहजहां ने अमर सिंह की बहादुरी से प्रसन्न होकर किसकी उपाधि दी थी? तो अमर सिंह से प्रश्न जो है वो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए अब यहाँ से स्टार्ट होते हैं आपके क्वेश्चन अमर सिंह से रिलेटेड। शाहजहां ने अमर सिंह की बहादुरी से प्रसन्न होकर उन्हें राव की उपाधि दी थी। नेक्स्ट है, अमर सिंह राठौड़ को किसने गंवार कहा, जिसको अमर सिंह ने तलवार से सर धड़ से अलग कर दिया था? तो जब शाहजहां के दरबार में थे तो सलावत खान ने अमर सिंह राठौड़ को गवार कहा था। तो शाहजहां ने अमर सिंह राठौड़ को के पास सलावत खान को भेजा था किसी कार्य के लिए, लेकिन अमर सिंह राठौड़ जो है वो थोड़ा सा देरी से पहुंचे थे। तो जब वो पहुंचे थे तो दरबार में ही सलावत खान ने अमर सिंह राठौड़ को गंवार कह दिया था। तो अमर सिंह को इसी बात पर बहुत ज्यादा क्रोध आ गया था, तो उन्होंने तलवार अपनी निकाली थी और सलावत खान का सर धड़ से अलग कर दिया था। तो इस चीज को देखकर शाहजहां जो थे वो बहुत ज्यादा क्रोधित हुए थे। कटार का धनी किसे कहा जाता है? कटार का धनी अमर सिंह राठौड़ को ही कहा जाता है। अमर सिंह की हत्या किसने की थी? अमर सिंह की हत्या की थी अर्जुन गौड़ ने। किसने की थी? अर्जुन गौड़ ने। नेक्स्ट है क्वेश्चन 50, दिल्ली में लाल किले में बुखारा द्वार किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? दिल्ली में जो लाल किला है उसमें गेट है बुखारा द्वार, यह किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? यह अमर सिंह का फाटक नाम से प्रसिद्ध हुआ। किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? अमर सिंह का फाटक नाम से प्रसिद्ध हुआ। बंद पड़े अमर सिंह का फाटक को किस अंग्रेज अफसर के आदेश पर खोला गया? तो उस अमर सिंह के फाटक को बंद कर दिया गया था जो कि दिल्ली में लाल किले में जो बुखारा द्वार है वहां पर बना हुआ है। ठीक है, तो अमर सिंह के फाटक को बंद कर दिया, तो लेकिन एक अंग्रेज अफसर आया और उसने यह ऑर्डर दिया कि इसे खोला जाए। तो 1809 ईस्वी में जॉर्ज स्टील के कहने पर ही उस अमर सिंह फाटक को खोला गया। तो ये था आज का अंतिम प्रश्न। आपको क्वेश्चन कैसे लगे ये बताइएगा, लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।